चलिए बताइएगा इस बार, आप बताइएगा। दोबारा चालू किए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। बताइएगा सब लोग, गुड मॉर्निंग। चलिए सियाराम कुमार, चलिए इस बार ठीक से आ रही है आवाज? आवाज आ रही है तो बताइए। ओके चलिए, मॉर्निंग ठीक है सर, दिलराज बोला है। चलो गुड मॉर्निंग बाद में। अच्छा ये कौन है, रंजन कुमार बताइए, आवाज सही आ रही है ना? अब ठीक आ रहा है सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, ये सैटरडे को हम लोग जो वीडियो डाले थे उसमें आवाज के कारण आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ, और एक्चुअली यहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं और आप लोग का डिमांड था कि नहीं लाइव क्लास होना चाहिए सर, तो वीडियो अपलोड भी हम लोग को करने में बनता नहीं है, तो यहाँ टावर का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और एक्चुअली हम देख नहीं पाए थे कि किस स्टूडेंट का मतलब क्या रिप्लाई आ रहा है। तो आगे शुरू करते हैं क्लास, देखिए ध्यान से। हम लोग ये इससे पहले वाला वीडियो में सीखे थे, किसका ग्रुप का बता रहे थे, मस्ट शुड और आउट, यही ना, किसका किसका, ये तीनों का बताए थे आपको, मस्ट शुड और आउट ना, तो मस्ट और शुड, हाँ मस्ट शुड आउट टू, ये तीनों किस ग्रुप का था, चाहिए ग्रुप का ना, कौन सा ग्रुप बताए थे, चाहिए का। तो बताए थे कि इसका मतलब अवश्य और चाहिए होता है, मस्ट का मतलब, और ये शुड का मतलब चाहिए, आउट टू का मतलब चाहिए, और तीनों का अलग अलग सिचुएशन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि किस सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम लोग शुड का प्रयोग आपको बताए थे ना, कि कभी भी किसी को सिंपल से एडवाइस देते हैं या उसका ड्यूटी बतलाते हैं, इंस्ट्रक्शन बतलाते हैं, तो आप क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और मस्ट वाला हम बताए थे जरूर रहे, अवश्य रहे, तब इसका प्रयोग होता है। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा होता है, लेकिन आपको क्या करना है, इंग्लिश में सेंटेंस रहेगा उसी से पता लगाना है कि कहाँ पर मस्ट लगाएं, कहाँ शुड लगाएं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम शुड का एक केस ड्यूटी इंस्ट्रक्शन और बताए थे एडवाइस, ये सब में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं थी। आपको शुड के बारे में हम कई सिचुएशन बताए थे, नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट में सेल के जगह क्या चीज शुड का प्रयोग करते हैं, आपको बताए थे लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है ना, और बताए थे कई अनरियल सिचुएशन होते हैं उसमें भी शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो केवल दो तीन प्रयोग सीखने से नहीं होगा, आपको और यानी कि जहाँ जहाँ इसका प्रयोग है सब जानना होगा, तब आप शुड सही से भर सकते हैं, जैसा कि आप पिछला वीडियो में देखे थे। तो आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, मस्ट के बारे में। देखिए मस्ट जब दिया जाता है, मस्ट और शुड, तो आपके मन में आ जाता है कि नहीं, जब भी ट्रांसलेशन में जरूर चाहिए होगा, अवश्य चाहिए होगा, तो हम मस्ट लगा देंगे, और सिंपल से चाहिए रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। लेकिन ऐसी बात हिंदी के ट्रांसलेशन जब देखिएगा तब तो, लेकिन एग्जाम्स में क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो सेंटेंस जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, और उसी का मतलब उसी को देख कर हम लोग को पता लगाना होता है कि यहाँ पर शुड लगावें या मस्ट लगा। तो सेंटेंस को आपको पढ़ कर पता लगाना है कि शुड लगाएं कि मस्ट लगाएं। जैसे मान लीजिए उस दिन भी हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पर दे दिए डॉट दे के हेल्प दिस इंजर्ड मैन, और यहाँ दे दिए यू डॉट डॉट दे के हेल्प मी, क्या यहाँ दे देते हैं यू डॉट डॉट दे के, हाँ यू डॉट डॉट दे के अबे द लॉ ऑफ द कंट्री,
ना, और यहाँ दे देते हैं फिर यू डॉट डॉट दे के स्टॉप बिफोर द रेड सिग्नल। देखिए अब नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, अब देखिए ये चार सेंटेंस को ले लीजिए, तो चार सेंटेंस में यहाँ पर आउट टू के बारे में नहीं, शुड और मस्ट के बारे में। आप कोई भी सेंटेंस को देखिए, वो लगे एडवाइस टाइप का रहे, हमारी ड्यूटी बता रहा है, हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और लगे कि वो काम बहुत जरूरी है, अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं ना तो मतलब कि नुकसान हो सकता है, कुछ हानि हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब आप ही बताइए, यू डॉट डॉट दे के हेल्प दिस इंजर्ड मैन, तुम्हें इस घायल आदमी की मदद करनी चाहिए और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा? तुम्हें घायल आदमी की मदद करनी चाहिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसमें क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे, और यू डॉट डॉट दे के हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर ये कोई खास नहीं लग रहा है, आप क्या कीजिए, यहाँ पर शुड का प्रयोग कीजिए। फिर देखिए, यू डॉट डॉट दे के ऑबे द लॉ ऑफ द कंट्री, तुम्हें देश के कानून का पालन करना चाहिए, तो कैसा लगा, बहुत जरूरी है, जो कानून बनाया सरकार ने बनाई है, आप उसको तोड़िएगा तो उसके लिए आपके लिए पनिशमेंट है, इसलिए बहुत जरूरी था, इसीलिए हम यहाँ पर क्या डॉट डॉट दे के स्टॉप बिफोर द रेड सिग्नल, तुमको लाल सिग्नल के पहले रुकना चाहिए, तो आपको कैसा लगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि मतलब कभी भी, जैसे देखिए इट इज टू डार्क है ना, यू डॉट डॉट दे के कीप अ टॉर्च, देखिए ध्यान से कि कह रहा है कि बहुत से ज्यादा अंधेरा है और तुमको एक टॉर्च रख लेना चाहिए, तो कैसा लग रहा है कि बहुत जरूरी बता रहा है एडवाइस, तो हम यहाँ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपको देखिए, आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, आपको क्या सीखना है, हाँ सेंटेंस को हम देखेंगे इंग्लिश में, और उस सेंटेंस को देखकर सबसे पहला रूल यही है कि अगर हमको कोई एडवाइस दे रहा है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या अगर कोई हमारी ड्यूटी बतला रहा है और उसमें लगे कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा, गलत होगा एकदम, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जहाँ लगे कि नहीं मेरी मर्जी है छोड़ दें और कुछ भी, तो मान के चलो, तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, सूट का प्रयोग। तो एक तो रूल ये कहता है, और इतना सा ज़्यादातर क्वेश्चन में देखते हैं एग्जाम में जो देता है ना, तो उसमें मतलब कि ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस लिख मतलब ड्यूटी बतला देता है और उसमें पूछता है कि बताइए कि क्या लगेगा, और बाकी जैसे आपको सूट में बोले थे, तो सूट में आपको जो बोले थे ड्यूटी इंस्ट्रक्शन एडवाइस में लगता है ना, इसके अलावे भी कई प्रयोग बताए थे, तो वैसे ही मस्ट में कई प्रयोग आपको और सीखना है। तो चलिए अगला प्रयोग पर हम लोग चलते हैं, शुड का तो बता दिए थे, आज हम लोग मस्ट के बारे में सीखते हैं। ये दोबारा क्लास लेना पड़ गया क्योंकि सैटरडे को आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और एक्चुअली हम यहाँ अकेले होते हैं तो मतलब कि हम मोबाइल ऑन करके हम पढ़ाना शुरू कर दिए, और लास्ट में जाकर देखे तो आप लोग का मैसेज वगैरह भी देखे कि सब लोग लिखे थे, तो हमारा भी टाइम बर्बाद हुआ, आपका भी टाइम बर्बाद हुआ। तो चलिए आज हम लोग चेक कर लिए हैं, और दिक्कत अगर आज भी अगर वीडियो में होता है तो उसको फिर से हम अपलोड करेंगे। तो चलिए किसके बारे में बात कर रहे थे, मस्ट के बारे में, देखिए ध्यान से, देखिए मस्ट का प्रयोग रूल नंबर वन लिखते हैं, देखिए कहता है मस्ट इज यूज्ड, हाँ मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, मस्ट का प्रयोग किया जाता है काहे के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, और सारा रूल में हम यही लिखेंगे मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस, और मान लीजिए मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सन, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिटन ऑर्डर, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी, ऐसे करके लिखेंगे,
इससे बेहतर है सब पॉइंट ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख दिए क्या चीज, कंपल्सन, कंपल्सन, और यहां दे देते हैं सर्टेंटी, और यहां दे देते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देते हैं इंपॉर्टेंट रिटेन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, और क्या देते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, और क्या दे देते हैं लॉजिकल, लॉजिकल कंक्लूजन, कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन। चलिए यहां तक ले लेते हैं सबसे पहले, और क्या दे देते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एडवाइस ड्यूटी, और क्या चीज इंस्ट्रक्शन। देखिए ध्यान से, इतना सारा प्रयोग में हम लोग सीखेंगे क्या चीज लगाने के लिए, मस्ट लगाने के लिए। तो अगर हम मिटा भी देंगे तो जैसे आप शुरू में देख लिए हैं ऊपर में क्या है ना, अगर नोट करते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी मतलब कि कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा फीडबैक देख लेते हैं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह है, उस दिन हम कुछ देखे नहीं थे, जरा सा एक मिनट, बफरिंग हो रहा है सर, क्लास बंद कर दीजिए, एमडी सेफ नहीं चलता है सर, व्यू अपलोड कर दीजिए सर, पूरा रुक गया है, अब क्या किया जाए सर, पूरा रुक गया है ना। अच्छा ये टावर का प्रॉब्लम है, पूरा रुका हुआ है। अब यहाँ तो क्या कहा जाए, टावर का प्रॉब्लम है, रुका हुआ है अभी भी। चलिए कोई बात नहीं, इसको लोड कर देंगे। देखिए ये वीडियो जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड करेंगे, ठीक। आप लोग इसके लिए फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, इसको अभी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाल देंगे फिर से, क्योंकि टावर का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कोई ये नहीं करना है, बफरिंग हो रहा है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से बंद कर रहे हैं। आप लोग को बस आधे घंटे के बाद ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, समझ गए ना, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समझ गए। अब ये मतलब कि हम इसको ऑफलाइन लोड करेंगे, इसको डाउनलोड पर ये पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। धन्यवाद।